दोस्तों नमस्कार, एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारत की जो 75 आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल हैं उनको देख रहे थे विद मानचित्र, और जहाँ कोई ट्रिक बन रही थी उस ट्रिक के माध्यम से भी समझ रहे थे। तो हमने आपको ये पूर्वोत्तर भारत और साथ में जो पूर्वी यूपी है, यानी पूर्वी भारत वाला पूरब या पूर्वी भारत वाला शुरू किए थे, और पूर्वी दक्षिणी जो भारत का ये एरिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ तक निपटा दिए थे। अब बाकी आज की क्लास में हम लोग क्या, यानी अब जो ये बचा हुआ पश्चिमी घाट से होते हुए जो पश्चिमी यूपी और पश्चिमी उत्तरी जो भारत है उसके भी हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ यूपी के भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रामसर स्थल में आर्द्रभूमि यूपी के शामिल किए गए। तो अब पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ केरल कौन राज्य, ये आपका राज्य है केरल। केरल का ध्यान रखिएगा तीन है, केरल के कितने हैं तीन, तो केरल का ध्यान रखिएगा केरल के कितने तीन है। सस्तमकुट्टा, बेम्बानाथ, अष्टमुडी, अष्टमुडी, सस्तमकुट्टा, बेम्बानाथ, अष्टमुडी, सस्तमकुट्टा, बेम्बानाथ, अष्टमुडी, तीन कहाँ के, केरल के। गोवा में कौन है, तो ये नंदा झील है, वो नंदा देवी मत मान लीजिएगा, जो आपकी एक चोटी का नाम भी नंदा देवी है, तो नंदा देवी ये नंदा झील है, तो नंदा झील कहाँ है, गोवा में। गोवा में एकमात्र आर्द्रभूमि है जो रामसर स्थल में शामिल है, उसका नाम क्या है, नंदा झील। इसके बाद आइए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के कौन कौन है, तो महाराष्ट्र के ध्यान दीजिएगा, केरल में भी तीन, महाराष्ट्र में भी तीन, और ध्यान रखिएगा, और जो गोवा है उसका एकमात्र है नंदा झील। अब ये महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, तो ये थाने, पहली ट्रेन आप मुंबई से थाने, ये वही थाने जो समुद्र का तट है क्रीक, तो इसमें शामिल है, तो थाने क्रीक शामिल है। दूसरा लोनार, लोनार झील भी है, और ये लोनार झील किससे, क्रेटर से निर्मित है, उल्का पिंड से निर्मित है। अगला इसमें तीसरा कौन है, नांदूर मधमेश्वर, ये नांदूर मधमेश्वर, तो इसमें कौन शामिल है, नांदूर मधमेश्वर। तो महाराष्ट्र के कौन तीन हो गए, एक आपकी कौन हो गई लोनार, कौन आपकी हो गई लोनार, और उसके बाद फिर कौन थाने क्रीक, उसके बाद नांदूर मधमेश्वर। अब यहां कर्नाटक, कर्नाटक में आइए कौन कौन से शामिल हैं, तो कर्नाटक का केवल एक ही है, यानी कौन है, कर्नाटक। जब भी कोई नाटक करता है तो अपना रंग बदलता रहता है, समय समय पर अपना रंग रूप बदलता रहता है, और ये कर्नाटक जैसा नाम है वैसे नौटंकी नाटक भी करता है, इसीलिए रंग रूप बदलने वाला इसे कहा जाता, यानी रंग से यहां क्या मिल गया, रंग, यानी रंग नाथी, यानी कौन हो गया, रंग ना थी टू बर्ड सेंचुरी, तो इसका आप रंग आगे वाला नाम ध्यान रखिएगा, तो ये रंगा ना थी टू बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। अब कर्नाटक के बाद आइए गुजरात, गुजरात के ये कितने हैं, तो गुजरात के कितने हैं, यहां आपके सामने लिखे हैं गुजरात के चार, कौन कौन है, तो ये थोल झील है, फिर वधवाना, फिर खिजारिया, और उसके बाद नल सरोवर, तो ये तीन अभी हाल में शामिल किए गए, हाल फिलहाल में कौन, थोल झील, उसके बाद वधवाना, खिजारिया, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन गुजरात के चार हैं, गुजरात के कितने हैं चार, कौन कौन, थोल लेक, वधवाना, खिजारिया और नल सरोवर। अब गुजरात भी हो गया, अब आइए इसमें हम कौन देखते हैं, कौन, राजस्थान, और राजस्थान के दो इसमें शामिल है, एक सांभर झील और दूसरा कौन, केवलादेव, सांभर झील और केवलादेव नेशनल पार्क इसमें शामिल है, तो राजस्थान के दो शामिल है। इसके बाद आइए राजस्थान के ऊपर पहुंचिए, तो राजस्थान के ऊपर कौन है, हरियाणा, हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, इसको हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कौन कौन शामिल है, तो सबसे पहले हम किसको निपटाते हैं, तो यहां पर किसको निपटाते हैं, यानी हरियाणा, हरियाणा के ध्यान रखिए दो, एक है आपका कौन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा भिंडावास, सुल्तानपुर और भिंडावास, हरियाणा के कौन हो गए, सुल्तानपुर, भिंडावास, सुल्तानपुर, भिंडावास, ये कहां, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के बाद उत्तराखंड में एक ही मात्र है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसन कंजर्वेशन, आसन कंजर्वेशन, ये कहां स्थित है, ये स्थित है कहां, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के बाद ये राजस्थान से सटा हुआ है कौन आपका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन है, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में चार,
मध्य प्रदेश में कितने हैं? चार। कौन कौन है एमपी में? तो आपका एक राजा भोज का नाम सुने, भोजताल, तो ये भोज है। अगला सख्य सागर है, अगला सिरपुर झील है, अगला यशवंत सागर है। तो इसमें कितने हो गए, यानी कौन ये हो गए मध्य प्रदेश में? तो ये भोज, सख्य सागर, सिरपुर और उसके बाद यशवंत सागर। ये कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद अब यहाँ पंजाब तक देख लिए थे, अब इसमें आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन है? तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे सांड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बुल बोलते हैं, इसको बुल, यानी इसको क्या बोलते, इसको बुल बोलते। तो आप जब भी आप क्या कहते हो, यानी सांड है उसको देखते हो और सांड को देखते बोलते हो हाय, क्या बोलते हो हाय, और हाय का आपकी निकाल देता है क्या, हाय का आपके क्या निकाल देता है। तो आप इसमें क्या, जैसे आप सांड से बोले, बुल से क्या बोले हो, बुल जो, यानी बुल को ही क्या कहा जाता, उससे बोले हाय, यानी कौन है बुल, सांड से, तो ये आपका क्या बुल, और उसके बाद आपका उससे बोले हाय, और यहाँ सांड, सांड से ये यानी कौन हो गया, सालबाग, सालबाग, तो आपकी क्या निकाल, आपको धर के हौंक दिया, ये क्या किया, हौंक दिया, और आपका मान सम्मान अच्छे से किया, आपको हौंका और हौंकने के बाद आप भागे, और भागे तो यानी क्या किए, तुरंत आपका भागना शुरू कर दिए। तो यहाँ से आपके इससे आप निकाल लीजिए, यानी कौन कौन, बुल से बुलर झील हो गया, उसके बाद सांड, या हमने बुल से बुलर झील, और इससे आप पहले क्या, बुल से क्या बोले थे, बुल को सांड बोलते, तो यहाँ क्या हो गया, तो इससे साल बग, साल बग, तो इससे क्या हो गया, उलर झील, साल बग झील, उसके बाद हाय बोले थे, हाय गम, हाय गम, हाय गम, हाय गम यहीं पर स्थित है। फिर आपका क्या, आपको धर के हौंका, तो हुकेरा झील, हौंका, तो आपका मान सम्मान अच्छे से किया, तो कौन हो गया, मानसर, एक ही नाम है, सुरेंसर मानसर, सुरेंसर, सुरेंसर मानसर, आपको क्या किया, आपको हौंक दिया, और आपका मान सम्मान क्या हो गया, अच्छे से हो गया। तो जम्मू कश्मीर की आपकी बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठाइए, आप क्या, तो आपने क्या बोला, बुल, बुल को बोलते सांड, तो आपका साल बाग हो गया, अब बुल से बुलर झील हो गया, उससे हाय बोले तो हाय गम गया, अब फिर क्या किया, हाय बोले तो बदले में वो आपको क्या किया, अच्छे से हौंका, होकेरा, हौंका से होकेरा, और हौंका, हौंका, तो आपका मान सम्मान अच्छे से हो गया, तो आपका क्या हो गया, यानी मानसर, सुरेंसर मानसर। तो कितनी हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच आपकी कहां है, जम्मू कश्मीर में है। अब यहां लद्दाख, लद्दाख में दो है, लद्दाख में कितनी है, लद्दाख में दो है, और कौन कौन सी है, एक है तसो मुरारी, एक कौन है, तसो मुरारी, और दूसरा तसो कार, कौन है, तसो मुरारी, तसो कार, तसो मुरारी, तसो कार, तसो मुरारी, तसो कार। अब हिमाचल प्रदेश यहां बसता है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है इसको हम देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में है कौन है, तो हिमाचल प्रदेश में एक है पोंग डैम, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में कौन हो गया, यानी पोंग डैम, रेणुका बांध, पोंग डैम, रेणुका बांध और चंद्रताल। तो पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पंजाब, यहाँ पंजाब, यहाँ पंजाब का हमने इधर लिख दिया, पंजाब में कितने हैं, तो पंजाब में कितने हैं, तो पंजाब में हम देखते हैं कौन कौन से आखिरकार पंजाब के हैं। तो पंजाब में कौन कौन से हैं, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, पंजाब में कौन है, तो इसमें ब्यास, पंजाब में ब्यास बांध है, नांगल, यानी भाखरा नांगल का नाम सुने होंगे, तो ब्यास हो गया, नांगल हो गया, हरिकर बैराज हो गया, कांजली हो गया, रोपर हो गया, उसके बाद कौन हो गया, केशवपुर मिलानी, कौन हो गया, केशवपुर मिलानी, केशवपुर मिलानी, ये कहाँ स्थित है, ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित। तो दो दो चार दो छः, यानी पंजाब में उससे पाँच की बजाय कितने हैं, एक ज़्यादा कर देना आप, पास पंजाब, पाँच पंजाब में कितने, एक ज़्यादा, छः हैं। कौन कौन हो गए, ब्यास नांगल, ब्यास नांगल, हरिकय कांजली, उसके बाद रोपर, उसके बाद केशवपुर मिलानी, तो ये पांच पंजाब में, यानी कितने, छह याद पंजाब के रखिएगा। अब आपका बचता है ये आपका प्यारा सा यूपी, यूपी में कितने हैं, तो यूपी के भी हम जानते हैं। तो यूपी में पहले कौन, यानी यूपी वाले जानिए, तो सा वाले समझिए, कौन, समसपुर, समसपुर हो गया, फिर समन हो गया, उसके बाद फिर सुर सरोवर हो गया, उसके बाद सरसई नावर हो गया, और नावर से आपका क्या हो गया, अगला सर, सर, सर कौन, सरसई नावर, उसके बाद सांडी, यानी सा वाले कितने हो गए, दो दो चार पांच,
पांच हैं सासा वाले, कौन पांच हैं सासा वाले, जिसमें समसपुर है, समन है, सुर सरोवर है, सरसई नावर है, सांडी है, कौन है सांडी है, ये है। उसके बाद नावर से यही नवाबगंज, ये ना से यहाँ नवाबगंज, तो ये पांच इधर और बचेंगे, दस हैं टोटल यूपी में, तो कौन नवाबगंज हो गया, पार्वती अर्गा, और पार्वती अर्गा और पार्वती नवाबगंज, पार्वती अर्गा, उसके बाद आपका कौन हो गया हैदरपुर, उसके बाद ऊपरी गंगा और फिर बखीरा, कौन हो गया बखीरा। तो ये कौन यूपी के दस कौन कौन हो गए, तो एक बार फिर से, यानी समसपुर हो गया, सुर सरोवर हो गया, समन हो गया, सरसई नावर हो गया, सांडी हो गया, नवाब, और नवाब यानी जो नवाब, नवाब से आप ध्यान रखिए, नवाब लोग क्या है पार्वती, उनकी वाइफ का, नवाब की वाइफ का नाम क्या पार्वती है, तो कौन है नवाबगंज, उसके बाद पार्वती अर्गा, इसके साथ आ जाएगा नवाब का नाम क्या हैदर, हैदर यानी नवाब हैदर की पत्नी का नाम क्या है पार्वती, कौन है पार्वती, तो इसे आप ऐसे नवाब, नवाब की पत्नी, नवाब का नाम क्या हैदर और उनकी पत्नी यानी उनकी बीवी, बीवी से बखीरा हो गया और उनकी बीवी का नाम, नवाब की बीवी का नाम क्या है पार्वती है और नवाब का नाम हैदर है, तो ये आपका नवाब का नाम हैदर और उनकी बीवी का नाम पार्वती और इनका, तो यहां से आपके क्या चार ये नवाब से याद हो जाएंगे, नवाबगंज और नवाब का नाम क्या हैदर, तो हैदरपुर, और उसके बाद उनकी बीवी, बीवी से बखीरा और बीवी का नाम पार्वती अर्गा, और उसके बाद फिर ऊपरी गंगा यानी ऊपरी गंगा, तो ये आपका कितने हो गए टोटल यूपी के दस। और कहां कहां स्थित है, तो ये ऊपरी गंगा बुलंदशहर के पास है, बखीरा संत कबीर नगर में है, नवाबगंज उन्नाव में है, पार्वती अर्गा ये गोंडा में है, और उसके बाद हैदरपुर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, समसपुर, समसपुर रायबरेली में है, इसके बाद समन मैनपुरी में है, सुर सरोवर आगरा में है, सरसई नावर इटावा में है, सांडी हरदोई में है, तो ये यूपी के टोटल ये 10, यानी टोटल हमने क्या किया सारे के सारे विध मानचित्र आपको हमने 75 आपको क्या है यानी जो रामसर स्थल में शामिल है उसको बताने की क्या की है कोशिश की है। तो पहला पार्ट और ये पार्ट नंबर दो अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, दो तीन बार वीडियो को आप क्या कर लीजिएगा रिवाइज कर लीजिएगा और आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ में आई, तो ये आपका क्या हो गया यानी पूरी तरीके से फिनिश होता है। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।